बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर अस्त ग्रह कंबस्ट प्लैनेट्स को लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। अस्त ग्रह पर वीडियो बनाने के लिए मुझसे कई मित्र शायद कई सालों से कह रहे थे, लेकिन एक चलताऊ सा वीडियो बना देने का मूड मेरा नहीं था, क्योंकि अस्त ग्रह का कॉन्सेप्ट जो है बहुत कठिन है और बहुत समझदारी से समझने वाला सब्जेक्ट या विषय है। अस्त ग्रह की या कंबस्ट ग्रह की ये बड़ी चलताऊ सी व्याख्या है कि सूर्य के साथ जो भी ग्रह एक निश्चित डिग्री के अंदर आते हैं वो अस्त कहलाते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि सूर्य के साथ शनि देव जब आते हैं तो अस्त तो होते हैं शनि देव, लेकिन सूर्य के साथ शनि का ये कॉम्बिनेशन सूर्य के गुणों को भी बिगाड़ देता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है जिसे ज्योतिष सीखने वालों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और सूर्य के साथ अगर राहु आ जाते हैं या केतु आ जाते हैं तो आपको यहां फिर ये समझना होगा कि राहु अस्त नहीं होते, केतु अस्त नहीं होते। सूर्य का राहु के साथ आ जाना सूर्य ग्रहण का दोष बना देता है। और यहां उल्टा कहूं अगर कि सूर्य ही अस्त हो जाता है राहु के प्रभाव से, क्योंकि जब ग्रहण लगेगा तो सूर्य देव दिखाई देना बंद हो जाते हैं। सूर्य के साथ केतु का होना भी ग्रहण दोष ही बनाता है और सूर्य के गुणों को खराब करता है। ये अस्त ग्रहों का दूसरा पहलू है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री में सूर्य के साथ अस्त होता है और अस्त होने के फल किस लग्न के लिए क्या फल देते हैं, और शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन और सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में आता है या मिलता है तो आपको क्या फल मिलते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्योतिष सीखने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ने के पहले हमें यह समझ लेना होगा या जान लेना होगा कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितने करीब आता है तो उसे अस्त ग्रह माना जाता है। तो चंद्रमा सूर्य के 12 डिग्री के अंदर आ जाता है तो अस्त कहलाता है। मंगल 17 डिग्री के अंदर आ जाता है तो अस्त कहलाता है। बुध 14 डिग्री और जब बुध वक्री होता है तो 12 डिग्री के अंदर अस्त कहलाता है। सूर्य और बुध पर अलग से मैं व्याख्या करूंगा। शुक्र सूर्य के साथ 10 डिग्री के अंदर आ जाए तो अस्त ग्रह कहलाता है और शुक्र वक्री हो तो 8 डिग्री के अंदर अस्त हो जाता है। बृहस्पति सूर्य के 11 डिग्री के अंदर अगर आ जाता है तो अस्त कहलाता है और शनि देव 15 डिग्री के अंदर आ जाते हैं सूर्य के साथ तो अस्त ग्रह कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना होगा कि ग्रहों के अस्त होने का साधारण प्रभाव क्या होता है। ज्यादातर मामलों में अस्त ग्रह को हम इग्नोर कर देते हैं, खास करके कृष्णमूर्ति पद्धति को फॉलो करने वाले। हालांकि मैं भी कृष्णमूर्ति पद्धति ही फॉलो करता, लेकिन मैं वैदिक ज्योतिष के जो की पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है, उनको कभी इग्नोर नहीं करता। तो अगर आप ज्योतिष होते हुए अस्त ग्रहों को इग्नोर कर रहे हैं तो आपका फलादेश कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है।
अस्त ग्रह की दशा अंतर दशा में मन चाहे फल नहीं मिलते। यहां मन चाहे फल से मेरा मतलब यह है कि वो ग्रह यानी वो अस्त ग्रह जिन फलों को देना चाहता है आपकी कुंडली में वो फल नहीं दे पाएगा। अस्त ग्रह का मतलब यह भी होता है कि वो ग्रह सूर्य के ताप से सूर्य के तेज से डरा हुआ है। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप समझना चाहें तो इसे यूं समझे कि आईएएस आईपीएस की सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन का कारक होता है, तो आईएएस और आईपीएस जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में ही होते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति या जो प्रशासन का अंग नहीं है वो किसी आईपीएस या आईएएस के सामने जाता है तो एक भय एक नर्वसनेस फील जरूर करता है। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अस्त ग्रहों की जो व्याख्या मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, मैं समझता हूं ज्योतिष के प्रेमियों को ज्योतिष सीखने वालों को ये वीडियो बहुत मददगार साबित होगा। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो वो दिन अमावस्या का दिन कहलाता है, और सूर्य चंद्रमा एक साथ होने का मतलब है चंद्रमा कंबस्ट हो जाता है, मतलब चंद्रमा अस्त हो जाता है। अब आपको अस्त ग्रह के फल और उसके व्यवहार को गहराई से समझने की जरूरत है। दिन के वक्त जब सूर्य आसमान में चमक रहा होता है तो रात को दिखने वाले आसमान के तारे कहीं गायब नहीं हो जाते, बस सूर्य की रोशनी में वो दिखलाई नहीं पड़ते। तो जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो सूर्य की उस तेज रोशनी की वजह से वो हमें दिखलाई नहीं पड़ता। अब दिखलाई नहीं पड़ने का सीधा और सरल मतलब ये है ज्योतिषीय फलादेश की दृष्टि से कि आपने जो भी मेहनत की है वो दूसरों को नहीं दिख रही और आपकी की हुई मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर चला जाएगा। कंसल्टेशन के वक्त अक्सर बहुत से क्लाइंट ये बात बोलते हैं कि मैं मेहनत करता हूं लेकिन मेरे ऑफिस में मेरे कर्मस्थल पे उस मेहनत का फायदा कोई और उठा लेता है। तो यही इसका ज्योतिषीय फलादेश है। सूर्य हमारी ईगो का कारक होता है और इस वजह से लोगों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ईगो की वजह से दिमाग काम नहीं करता। अब इसको आप समझिए फलादेश की दृष्टि से कि बुध बुद्धि का कारक ग्रह होता है और बुध सूर्य के पास जाकर अस्त हो जाता है एक निश्चित डिग्री के अंदर। अक्सर आपको ये बात कहते हुए लोग मिलते हैं कि सूर्य और बुध अक्सर एक साथ होने की वजह से बुध को अस्त का दोष नहीं लगता। ये गलत व्याख्या है, भ्रमित करने वाली व्याख्या है। बुध भी अस्त होता है, सूर्य के अत्यधिक नजदीक अगर बुध चला जाएगा तो वो भी अस्त होता है, और बुध बुद्धि का कारक होने की वजह से जब सूर्य के साथ जाकर अस्त होता है तो जातक की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। लॉजिक बात वो समझना नहीं चाहता। इसे यूं समझे कि ईगो बहुत हाई हो जाती है जातक, क्योंकि बुध कभी भी सूर्य से 28 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। इसलिए ये ज्यादातर कुंडलियों में सूर्य के आसपास या एक राशि पीछे या एक राशि आगे रहता है। इसलिए दुनिया में 25% पत्रिकाओं में बुध देव अस्त पाए जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपकी बुद्धि पर झूठी शान यानी ईगो हावी हो चुकी है। तो सूर्य बुध एक साथ होने की व्याख्या तो मैंने आपको पहले ही बता दी ताकि आपको स्थिति और साफ नजर आने लगे। तो सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो ये अस्त होता है चंद्रमा अमावस्या के दिन। तो चंद्रमा किन चीजों का कारक है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है,
तो इन दो चीजों पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रदेव किस भाव के लॉर्ड है, जैसे मेष लग्न में चंद्रमा चौथे भाव के लॉर्ड है, तो चंद्रमा अगर अस्त होगा तो माता के स्वास्थ्य और आपके मन यानी आपके आत्मविश्वास पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप अक्सर छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। सूर्य चंद्र अस्त का फल आपको बताने के बाद आइए मैं आपको सूर्य और मंगल के कंबस्ट पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। यानी सूर्य देव के साथ मंगल देव अगर एक ही राशि में आ जाते हैं तो वो अस्त कहलाते हैं। मंगल के अस्त होने का क्या असर जातक के व्यक्तित्व पर पड़ता है उसे समझने की कोशिश कीजिए। मंगल का अस्त होना जातक अपनी ईगो की वजह से बुद्धि से पहले बल का प्रयोग करने की कोशिश करता है। यानी जहां बातचीत से समस्या हल हो सकती है वो वहां मारपीट कर लेगा जाकर। उसके अंदर ये भ्रम काम करता है कि वो किसी से भी युद्ध में जीत सकता है, शारीरिक बल में और तर्कों के बल पर यानी वाद विवाद में भी। ये स्थिति उस वक्त ज्यादा बलवती हो जाती है जब सूर्य के साथ मंगल और बुध दोनों। ईगो क्यों बढ़ती है? सूर्य पहले से ही ईगो का कारक होता है और जो भी ग्रह अस्त होता है सूर्य के पास जाकर वो सूर्य के नेचर को एडॉप्ट कर लेता है। मंगल अस्त हो तो जातक सोचता है अपने आप को ताकतवर, उसे लगता है कि वो किसी के साथ भी भिड़ जाएगा, किसी से भी जीत सकता है, लेकिन हकीकत में जातक मुंह की खाकर वापस आता है यानी वो जीत नहीं पाता। मंगल अस्त होने की वजह से मंगल चूंकि एनर्जी का मुख्य कारक है, मंगल युद्ध का कारक है, मंगल ताकत का कारक है, शक्ति का, करेज का, साहस का कारक है। अब आप समझ लीजिए अगर वो अस्त होगा तो वो अपना 100% नेचर डिलीवर नहीं कर पाएगा। गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के साथ हो तो अस्त हो जाएंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के साथ अगर अस्त हो तो जातक अपने ज्ञान के घमंड में इतराता है। जातक को लगता है कि उसे दुनिया का हर ज्ञान है, किसी की सुनना नहीं चाहता, किसी की राय लेने में अपनी हेठी समझता है और गुरु के अस्त होने से जातक नास्तिक भी बन जाता है। क्योंकि गुरु धर्म का कारक है, धर्म का कारक होने की वजह से धर्म के प्रति वो उदासीन हो जाता है। धर्म ईश्वर हर चीज पर सवाल खड़े कर देता है, किसी को भी अपना गुरु नहीं मानना चाहता या गुरु के साथ उसकी बनती नहीं है, किसी की सुनते नहीं है, ज्योतिष शास्त्र पर भी सवाल उठाते हैं और अगर मजबूरी में राय लेते भी हैं ज्योतिषी तो ज्योतिष के द्वारा बोले गए उपायों पर यकीन नहीं करते। यहां अस्त होने का मतलब आपको एक दूसरे तरीके से भी समझना है। जैसे मंगल अस्त है तो छोटे भाई का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मंगल के कारकों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। और आपकी लगन के अनुसार मंगल जिस भाव का भी मालिक होगा उस भाव को भी कमजोर करेगा। मान लीजिए मंगल एकादशेष है तो प्राप्ति के मामले में आप उतने भाग्यशाली नहीं रह जाएंगे, जितनी प्राप्ति आपको होनी होगी उससे आधी में ही आपको संतोष करना पड़ेगा। बृहस्पति अस्त है सूर्य के साथ तो बृहस्पति के जो कारक हैं उनको ध्यान में रखिए। बृहस्पति धन का कारक है, बृहस्पति संतान का कारक है, ये दो मुख्य बिंदु तो है ही। तो बृहस्पति अगर अस्त है सूर्य के साथ तो संतान संबंधी समस्या आ सकती है, धन संबंधी समस्या भी आ सकती है। विशेष करके अगर पंचम भाव में धनु राशि हो या मीन राशि हो यानी सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न हो तो संतान संबंधी समस्या, और वृश्चिक लग्न हो और वृश्चिक लग्न हो तथा कुंभ लग्न हो तो धन संबंधी समस्या। यानी वृश्चिक लग्न में धन संबंधी समस्या और संतान संबंधी समस्या दोनों आपको झेलनी पड़ सकती है गुरुदेव बृहस्पति के अस्त होने की वजह से। सूर्य के साथ शुक्र
कंबस्ट हो और सूर्य के साथ शनि कंबस्ट हो यानी अस्त हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। शुक्र अगर अस्त हो सूर्य के साथ होते हुए तो जातक को शारीरिक सुख का अभाव होता है तथा प्रेम प्रसंगों और महिलाओं के पीछे अपना बहुत सारा समय व धन खराब कर देता है या खर्च कर देता है। खेल कूद में, क्रिकेट में, आईपीएल में आजकल तो लगता है, आप जानते ही हैं, इसमें सट्टा लगाता है और हारता है, अपने धन का नुकसान करता है। शुक्र के अस्त होने का मतलब है दाम्पत्य जीवन में शारीरिक संबंधों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवन में सुख का अभाव, नींद की कमी देखी जा सकती है। शुक्र जिन चीजों का कारक है उस पे भी ध्यान देना है आपने। जैसे शुक्र सुख का कारक है, शुक्र यौन संबंधों में शक्ति का कारक है, तो शुक्र अगर अस्त हो तो जातक शीघ्र पतन का रोगी भी हो सकता है। प्रेम प्रसंगों का अभाव होता है ऐसे जातक के जीवन में, यानी महिलाओं की संगत के लिए वो तरस जाता है, इसी वजह से वो पैसा खर्च करता है महिलाओं के पीछे। शुक्र अगर अस्त हो तो जातक की पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, विशेष करके शुक्र की महादशा या अंतरदशा शुरू हो जाए अगर तो जीवन साथी यानी जातक की पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती है। और सिंपली आपको यह भी समझना है कि शुक्र जिस भाव का लॉर्ड है उस भाव में भी कमी आएगी। मान लीजिए आपकी वृष लगन है, शुक्र अस्त है, तो आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। आपकी वृष लगन है, शुक्र अस्त है, तो नौकरी मिलने में आपको समस्या होगी। आपकी मेष लगन है और शुक्र अस्त है तो धन संबंधी समस्या, आपके जीवन साथी को समस्या, विशेष करके आपकी पत्नी को। मिथुन लग्न है आपकी तो प्रेम संबंधों में समस्या, प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलती, नींद की कमी सताती। कर्क लग्न है तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जीवन में इच्छाएं प्रभावित होती है। सिंह लग्न है, शुक्र अस्त है तो साहस का अभाव, सरकारी नौकरी न मिलने का योग बन जाता है, इससे दशम भाव कमजोर हो जाता है, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसी तरह आपने इसको समझना है स्टेप बाय स्टेप। जहां तक मैं बता चुका हूं, मैं समझता हूं कन्या से मीन तक, अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि किन किन समस्याओं से सामना हो सकता है शुक्र के अस्त होने पर। शनि देव अगर अस्त है सूर्य के साथ तो जातक को अपने हुनर का बड़ा घमंड होता है, क्योंकि शनि लेबर क्लास को प्रतिनिधित्व करता है। तो जो मिस्त्री होते हैं, जैसे किसी को गाड़ी बनानी आती है, किसी को कोई मशीन बनानी आती है, तो ऐसे जातक को अपने हुनर का घमंड तो होता ही है। ईगो में पड़कर वो सही समय पर अपना काम कभी खत्म नहीं करता और उसे ये लगता है कि उसके लिए ये चुटकियों का काम है, और इसी गलत फहमी में वो असफल होकर रह जाता है। हर काम में देर करता है और उसे वक्त पर पूरा नहीं करता। हुनर का घमंड की पॉइंट है जिस पे आपने ध्यान देना है इसके फलादेश को समझने के लिए। शनि देव कर्म के कारक होते हैं तो कर्म पे इफेक्ट पड़ेगा। शनि अगर अस्त है तो काम धंधा मिलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो अपने हुनर के घमंड की वजह से काम ठीक से नहीं करेगा तो लोग आना बंद कर देंगे, ये भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। हाँ, यहां एक चीज आपको अब और समझनी है कि सूर्य के साथ शनि देव अस्त तो होते हैं लेकिन सूर्य भी खराब हो जाता है, यानी शनि देव का संबंध सूर्य से जब बनता है तो सूर्य के कारकों में भी समस्या आ जाती है, सूर्य भी बुरा फल देने लगता है। मान लीजिए सिंह लगन है, शनि देव अस्त है सूर्य के साथ, तो जातक की मानसिकता थोड़ी निम्न स्तर की हो जाएगी। कहते हैं ना, जैसी संगति वैसा विचार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि सूर्य और शनि एक साथ होने पर शनि देव ही अस्त नहीं होते, सूर्य देव का भी नुकसान हो जाता है, यानी सूर्य भी करप्ट हो जाता है। ये एकमात्र सूर्य और शनि के योग पर ही होता है, और इससे ऊपर करेला और नीम सड़ा तो है ही। अगर कोई सोचता है कि सूर्य राहु के साथ होंगे तो राहु अस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सूर्य राहु एक साथ होंगे तो सूर्य की शक्ति खत्म हो जाएगी, सूर्य केतु एक साथ होंगे तो सूर्य को खराब कर देंगे। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काफी उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं,
लेकिन ऐसे व्यक्ति की संगत कर रहे हैं जो जुआ खेलता है, शराब पीता है, निम्न स्तर के काम करता है, तो समाज में आपकी इज्जत क्या बचेगी। तो अस्त ग्रहों पर बहुत से मित्रों ने बहुत दिनों से मुझे बोला हुआ था, कई बार बोल चुके थे कि अस्त ग्रहों पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज मैंने अस्त ग्रहों पर ये जो वीडियो बनाया है, अस्त ग्रहों का फल क्या होता है, इसका पूरा निचोड़ लगभग आपके सामने रख दिया है। वीडियो की लेंथ पे ना जाए 10-15 मिनट, इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, लिखना पड़ा है, सोचना पड़ा है क्या इफेक्ट होता है, उसको ऑब्जर्व किया है मैंने, इसमें मेरा अनुभव भी शामिल है इस वीडियो में। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा और अच्छा मार्गदर्शक भी बनेगा ज्योतिषियों के लिए, या जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं उनके लिए, जो अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं उनके लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए।